कैंप का जो बुनियादी मकसद होता है वो ये होता है जो सीख रहे हैं तो उसका आपको बेनिफिट क्या है। हमारे ये 7 जो एलिमेंट्री सेंटर्स हैं और 3 ये जो ट्रेनिंग होते हैं इनको हम ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद हमें ट्रेनिंग की है लेकिन फिर बाद में उसको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं तो उन बेनिफिट्स का आगे बाद जब ये ट्रेनिंग खत्म करती है तो हम इनकी महकमे के साथ एक रजिस्ट्रेशन भी करते 1,00,000 तक की लोन देता था और अब ये गवर्नमेंट ये भी आपके लिए एक और मुबारक की बात है। पहले जो हमारा एलिमेंट्री होता था उसमें हमें सिखाता है पहले ABC वैसे आपको ये बनने की बहुत ज्यादा तेज होती है वो शौकीन और एक सर्द महफिल मोहतरम मुजम्मिल हुसैन साहब बाकी यहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर कोपा लेबर डिपार्टमेंट का काम ये होता है कि वो लेबर के रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं इसमें दो तरह के अच्छे से पॉइंट बता दिए तो मुझे लगता है कि इससे बेहतर ये होगा कि मैं जो हमारे आर्टिजन हैं इनके लिए कुछ जो हमारे ट्रेनिंग हैं इनके लिए कुछ मोटिवेशनल चीज़ बताऊं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो अभी जैसे सज्जाद साहब बोल ही रहे थे कि ये कोई काम छोटा नहीं होता है स्कूल नहीं जाते कॉलेज नहीं जाते ये हमने अवेयरनेस कैंप हमारे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट का आज यहाँ कंडक्ट करवाया है। इसका मेन मकसद यही होता है कि जो लोग हैं ट्रेनीज भी हैं हमारे यहाँ जो भी यहाँ पे आर्टिजन्स हैं वो आ सकते हैं उनको हम जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स हैं ट्रेनिंग्स का जो नॉर्मल हमारा प्रोसेस है और उसके अलावा जो लोन रिलेटेड जो हम उनको बेनिफिट्स देते हैं या फिर जो रजिस्ट्रेशन वगैरह उसके बारे में उनको अवेयर किया जाए तो यही हमारा बिल्कुल ये वैसे भी हमारा ये सालाना एक सिलसिला है जो चलता ही है और अब कोशिश करेंगे और भी इनको बढ़ाया जाए इनकी फ्रीक्वेंसी। जी हाँ वो भी आपकी बात ठीक है तो यही है कि हमने आगे कोशिश किया जाएगा कि इसको कि ज़्यादा थोड़े फार फ्लंग एरियाज में भी किया जाए और पर हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स वैसे पूरे ही डिस्ट्रिक्ट के हर कॉर्नर में स्प्रेड हैं तो उससे भी वैसे भी नॉर्मली भी अवेयरनेस होता ही रहता है। ये थोड़ा एक स्पेसिफिक हम इवेंट रखते हैं।